नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलुदिया और इस वक्त हम मौजूद हैं सेल्वी अस्पताल में और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रसिद्ध लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत शिव। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं और अब तक अनेक मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट कर जीवन दान दे चुके हैं। लीवर ट्रांसप्लांट क्या है, कौन लोग करते हैं, किन परिस्थितियों में किया जाता है, आगे क्या दिक्कत आती है, मरीजों को किन सावधानियां की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे अनेक प्रश्न निश्चित तौर पर आपके भी मन में कौंध रहे होंगे। तो हम इन्हीं सवालों का जवाब आज डॉक्टर निशांत जी से ले रहे हैं। निशांत जी, सबसे पहले तो दोपहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे तमाम दर्शकों को कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएं जो शायद आज तक उनके सामने नहीं आई हो। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये लीवर ट्रांसप्लांट है क्या चीज़ और कब और किन परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शक गणों का, और मैं आपके माध्यम से, जो आपने मुझसे पूछा, आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लीवर ट्रांसप्लांट एक बड़ी सर्जरी है। लीवर ट्रांसप्लांट उन लोगों को किया जाता है जिन लोगों का लीवर ख़राब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। ये ग्रेड 4 डिसीज़ होती है। एक्चुअली लीवर ख़राब होने के लिए भी स्टेजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ग्रेड 4 लीवर सिरोसिस होता है, मगर उसमें भी ग्रेडिंग ऐसी होती है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड देन ग्रेड 4। ग्रेड 1 जो होता है, जो मोस्टली अगर आप देखते होंगे, जो लोग सोनोग्राफी कराते होंगे, फैटी लीवर बताता है ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लीवर, वो ग्रेड 1 लीवर ख़राब होने की स्थिति है। जब फैटी लीवर हो जाता है तो लीवर फाइब्रोसिस होता है, फिर लीवर सिरोसिस में अपन आते हैं। तो इसलिए उसमें बहुत समय लगता है लीवर सिरोसिस डेवलप होने में। ये एक क्रॉनिक डिसीज़ है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से आपके साथ चल रही होगी, जो आपको पता नहीं चलती है, और धीरे 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 करके 5 साल 10 साल 15 साल उसमें अपना लीवर ख़राब होता है, जब जाके आपको ये पता चलता है। इसका पता आपको जब चलता है जब पैरों में सूजन आ जाती है, या फिर पेट में पानी भरने लगता है, या फिर बेनौदगी होने लगती है, या फिर यूरिन कम आती है, या फिर पीलिया होता है। इन सब चीज़ों से आपको पता चलता है कि मेरे लीवर में परेशानियाँ आ रही हैं। जब ये परेशानियाँ आती हैं तो किसी भी डॉक्टर से, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलें, और उसके बाद कुछ जांचें होते हैं जिससे पता चलता है, जैसे कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, ब्लड की जांचें, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि आपके लिवर का क्या डैमेज हुआ है। लिवर डैमेज होने के कई रीजंस हो सकते हैं। जो सबसे पहले पुराने ज़माने में था वो हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन था, बट अब के समय में अल्कोहल इज़ द मेजर कॉज। और सबसे ज़्यादा अभी जो देखने में आ रहा है और जो डेटा बताता है, वो नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर, जिसमें कि वसा जमा हो जाता है लीवर में। वसा जमा होने के कारण से फैटी लीवर होता है, और फैटी लीवर होने के कारण से लीवर फाइब्रोसिस, और लीवर फाइब्रोसिस के कारण से लीवर सिरोसिस हो जाता है। अगर फैटी लीवर आता है तो आप किसी विशेषज्ञ से मिलें, उसका ट्रीटमेंट लें, उसको उसी समय रोकें। आगे बढ़ता है तो हमें परेशानी हो सकती है, और डेटा अभी ये कहता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, स्टीटोहेपेटाइटिस, उसके कारण से ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले के ज़माने में हेपेटाइटिस बी और सी होता था, बट अब अल्कोहल और नॉन अल्कोहलिक, जिसको नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसके कारण से लिवर में डैमेज होता है। कुछ लोगों को एक्यूट लिवर भी डैमेज होता है। एक्यूट लिवर डैमेज ये होता है कि कोई दवाई खाई, जैसे कि एसिटोमिनोफेन होती हैं, कोई अलग प्रकार की दवाई होती है जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं, जिसके कारण से, जिसको कंट्रोल में खानी चाहिए, जिसने ज़्यादा खा ली है या ऐसा कुछ, उससे भी लिवर डैमेज होता है, जिसमें एक्यूट लिवर फेलियर कहा जाता है। वो ऐसा होता है कि दवाई खाई और कुछ दिनों के अंतर भीतर में अपन को लिवर में जॉन्डिस हो गया, आपका बिलिरुबिन बढ़ गया, INR बढ़ गया, इन सब चीज़ों से आपका एक्यूट लिवर फेलियर हो गया, उसमें भी आपको लिवर की तकलीफ हो सकती है। जब मरीज को लिवर की तकलीफ होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका तुरंत सर्जरी की जाए। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिसको आप दवाई गोली से मेंटेन कर सकते हैं, और दवाई गोली से मेंटेन करने से काफ़ी लंबा समय तक के आपको मिलता है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, उसका वायरस का दवाई है, आपको वायरस की दवाई लेनी चाहिए। बाकी और कोई चीज़ें जैसे अल्कोहल लेते हैं, उनका सेवन बंद कर देना चाहिए। ये सब चीज़ों से आपका लिवर को प्रोटेक्शन मिल सकता है। मगर कई मरीज़ होते हैं जो इसको
अवॉइड करते हैं और आगे आते हैं, दवाई नहीं खाते हैं और किसी से मुलाकात नहीं करते हैं और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो इससे जाके आगे आके लिवर ख़राब हो सकता है। सर आमतौर पर देखा जाए तो हमारी काफ़ी एक बड़ी आबादी ग्रामीण में वास करती है जी, अशिक्षित लोगों की संख्या भी काफी कुछ है। एक स्वस्थ व्यक्ति है उसे कैसे पता चलेगा कि वो उसकी उसे लीवर उसका खराब हो रहा है, क्योंकि इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है? क्योंकि अगर उसके पैरों में सूजन आ रही है तो एक बड़ी बाधा है, लेकिन आमतौर पर देखा जैसे आपने बताया कि पीलिया तो कई बार लोगों को खून की कमी या पानी गलत पानी पीने से भी हो जाता है, तो उसे प्रारंभिक लक्षण कैसे मालूम पड़ेगा, एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ेगा कि वो उस लीवर बीमारी के टारगेट पर है? जैसे मैंने कि आपको बताया हेपेटाइटिस बी और अल्कोहल, ये अल्कोहल जैसे आप जानते हैं कि लिवर ख़राब करता है, अगर आप उसको लेते रहेंगे तो पता ही है कि लिवर ख़राब हो रहा है, मगर प्रारंभिक लक्षण जैसे है थकान हो जाना, थोड़ा सा भी चलाया हुआ चलते हैं या कोई भी काम करते हैं तो थकान आ जाना तुरंत के तुरंत, भूख ना लगना, वजन कम होना, है ना, एनीमिया होना जैसे आपने बोला, तो ये सब चीज़ें हैं। कभी लिवर में जांच कराते हैं तो एक एंजाइम्स होते हैं SGOT और SGPT, उसके मात्राएँ बढ़ जाना, पीलिया नहीं दिख रहा मगर लिवर में डैमेज दिख रहा है, है ना, तो ये सब चीज़ों में आपको प्रारंभिक लक्षण आपको पता चलने लगते हैं। खास करके लोगों का कंप्लेंट रहता है कि थकान बहुत जल्दी आ जाती है, चार कदम चलते हैं थक जाते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ों से आपको प्रारंभिक लक्षण, जैसे अल्कोहल का तो आपने बताया वो समझ में आता है, आम लोगों को भी आता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कभी अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, तो उन्हें खान पान में किस तरह का परहेज करना चाहिए, क्या अन्य ऐसे कुछ खान पान है जिसके कारण लीवर की बीमारी होती है? जी, आजकल आप देखने में आया होगा कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ भी होती है, डायबिटीज़ में अगर शुगर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उस पर भी लिवर का इफेक्ट होता है। डायबिटीज़ से हर अंग खराब हो सकता है, जैसे आप देखते हैं किडनी भी होते हैं, लिवर भी होती है, आँखों में भी रोशनी कम हो जाती है, तो ऐसे लिवर के भी में प्रॉब्लम आती है जिसमें डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल नहीं करते कई लोग। खान पान में भी आप देखें तो बहुत सारे लोग पैक्ड फूड खाते हैं, है ना, जैसे कि बाहर के कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, या जो भी चीज़ें हैं जो पैक्ड फूड है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, फास्ट फूड हो गए, बर्गर पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, मगर मेरा यही सजेशन है कि जो घर का बना हुआ खाना होता है, साफ सुथरा और घर का बना हुआ खाना, वो खाएं, और तो बाजार का खाना तो व्यक्ति को अवॉइड करना ही चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, मेरा ये मानना है अवॉइड करना चाहिए, मजबूरी है तो बात अलग है मगर अवॉइड करना चाहिए, जितना अपने आपको हेल्थ का आप दे सकते हैं, जैसे कि व्यायाम करना, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना, 8 घंटे स्लीप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 लीटर पानी पीना, घर का खाना खाना, कम तेल, कम मिर्च, कम मसाले ये थोड़ा कम करें, बहुत ज़्यादा तेल और घी का सेवन ना करें, फास्ट फूड का सेवन ना करें, इससे आपके लिवर को हेल्दी रहता है। साल भर में एक बार लिवर की जांच जरूर कराएं, सोनोग्राफी और खून की जांच कराएं, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या ऐसा कुछ महसूस होता है तो अपने अपने विशेषज्ञ से। किस उम्र के व्यक्ति को ये जांच करानी चाहिए आमतौर पर? आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग थोड़े से 35-40 के आसपास हैं उनमें से आपको जांच कराना चाहिए, जो लक्की 60-70 तक के साल के होते हैं उनको तो कराना ही चाहिए, जो यंग बच्चे हैं उनको भी कराना चाहिए, मगर उनका खान पान कैसा है कैसा नहीं है, वही बच्चे बाहर रहते हैं, घर के बाहर आते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को भी ज़रूर करना चाहिए। उम्र से ऐसा नहीं कहूँगा कि इस उम्र से ही करना चाहिए और ये उस उम्र के, मगर आपका जो दिनचर्या है उसके हिसाब से अगर आपका दिनचर्या अच्छा नहीं है तो आपको जांच कराते रहें। सर मान लीजिए किसी को लीवर की बीमारी होती है तो किस किन परिस्थितियों तक वो दवाई गोलियों से ठीक की जा सकती है? जैसे लीवर की बीमारियाँ हुई, फैटी लिवर है तो वजन कम करना, खान पान अपना सुधारना, दिनचर्या सुधारना, उससे बहुत सारी चीज़ें Grade 1, Grade 2 फैटी लिवर कम हो जाती है, मगर अगर Grade 3, Grade 4 फैटी लिवर है तो हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अगर लिवर में जैसे सोनोग्राफी हमने कराई और खून की जांच कराई, सोनोग्राफी में अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा गया कि उसका नोड्यूलर लिवर, मतलब उसका लिवर थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, तो डैमेज की प्रक्रिया को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। ऐसी दवाई आज तक की नहीं बनी जिसको हम दवाई को दे दें और फाइब्रोसिस बंद हो जाए। आने वाले समय में वो चीज़ 5 साल, 7 साल, 10 साल में दिखेगी, मगर उसको और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बाकी दवाई गोली और दिनचर्या को ठीक करने से। जो लोग दिनचर्या को ठीक नहीं करते हैं, खाना पीना ठीक नहीं करते हैं, दवाई गोली नहीं लेते हैं, तो वो चीज़ें 5 साल में जो ख़राब हो रही थी वो हो सकता है 6 महीने 1 साल में ही ख़राब हो जाए। तो कहने का मतलब है आपका डेली रूटीन और आपकी लाइफस्टाइल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सावधानी बहुत जरूरी, बहुत बहुत बहुत। अच्छा, किन परिस्थितियों में सर लीवर पूरी तरह से डैमेज माना जाता है? लीवर बहुत जब डैमेज पूरी तरीके से पूर्ण लीवर डैमेज तब माना जाता है जब लोगों को बड़े लक्षण, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरना, बेनौदगी होना, मतलब ज़्यादातर सोते रहते हैं या बेनौदगी होती है, कन्फ्यूजन होता है, यूरिन थोड़ा कम आने लगता है, पीलिया है, जॉन्डिस है, वो भी हाई नंबर का जॉन्डिस है, तो ये सब चीज़ों से आपको है कि एक बहुत आगे तक के अपन जा चुके हैं, उसके लिए आपको तुरंत के तुरंत आपको परामर्श लेना चाहिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। सर, लीवर ट्रांसप्लांट जो है किस परिस्थिति में होता और क्या इसमें कौन लोग इसे देते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई ने डोनेट किया है तो जो डोनेटर है वो उसका कितना प्रतिशत भाग लिया जाता है और जो मरीज है वो उसको कितने दिनों में कवर करता है जी, क्या प्रक्रिया है इसकी? सर, जैसे कि आपसे अभी बात हुई तो जब पूर्ण लिवर डैमेज हो जाता है जिसको ग्रेड 4 लिवर सिरोसिस कहते हैं, जब लिवर सिरोसिस हो जाता है इसका मतलब हो गया है कि आपका पूरा लिवर खराब हो गया। जब लिवर खराब हो जाता है, जब ये आपको लक्षण दिखने लगते हैं, तो लिवर को ठीक रखने के लिए कोई दवाई गोली ऐसा बनी नहीं है। किडनी में डायलिसिस बनता है मगर लिवर में ऐसा कोई सावधानी या ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, मगर आपको तब लिवर ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब लिवर ट्रांसप्लांट दो प्रकार से होते हैं, मैं आपको माध्यम से आपके माध्यम से दो बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि लिवर ट्रांसप्लांट दो प्रकार से होते हैं। एक लिवर ट्रांसप्लांट होता है जिसमें आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि ग्रीन कॉरिडोर बना, ब्रेन मृतक था जिसने डोनेशन किया और उनका लिवर दूसरे मरीज को दे दिया गया, जिसको रिसिपिएंट हम कहते हैं। तो जब हम उसका जब लिवर अपन लेते हैं तो हम पूरा फुल लिवर लेते हैं, जो मृतक रहते हैं उसमें हम पूरा 100% लेते हैं, और जो मरीज होता है उसका पूरा 100% लिवर निकाल के हम पूरा 100% लिवर लगा देते हैं। जो दूसरा प्रकार का है उसमें हम कहते हैं लिविंग डोनर, जीवित लोग ही जीवित को अपना अंग दान करते हैं, जिसको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब भगवान की रचना ऐसी है कि किडनी दो बनाई है, तो अपन एक किडनी लेते हैं और एक किडनी से अपन आजीवन जी सकते हैं, मगर बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर लिवर तो एक होता है, हम आजीवन कैसे जिएंगे? तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लिवर एक होता है मगर हम लिवर का कुछ पोर्शन लेते हैं। अगर मैं कहूँ 100% लिवर है और कोई मेरे को डोनेट करना चाहता है तो लगभग हम 60-70% लिवर लेते हैं, जिसमें से 30-40% लिवर उनके पास रह जाता है। डेटा ये कहता है कि एक इंसान को अच्छा लिवर 20-30% रहे उसके पास तो वह आजीवन आराम से जी सकता है, क्योंकि लिवर में एक क्षमता होती है कि वो खुद से ग्रो कर सकता है। तो भगवान ने अगर 100% लिवर बनाया है जिसमें से हमने अगर 30% छोड़ दिया तो 3 महीने बाद लगभग मान के चलिए कि 80% लिवर बन जाता है। तो आपको 30-40% अगर आपके पास लिवर बचता है, अगर हेल्दी लिवर है, अगर खराब लिवर नहीं हेल्दी लिवर है, तो आपको आजीवन आप जीवन जी सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने मुझसे एक प्रश्न ये भी पूछा था कि क्या सर जब लिवर खराब हो जाता है तो जब ये बड़े साइंस आते हैं जैसे कि पैंट में सूजन और बेल्ट में पानी भरना, ये सब चीज़ें, तो मेरा ये बताना है कि जब लिवर 70-80% डैमेज हो जाता है तभी ये आता है। तो इस प्रोसीजर को जो 70-80% डैमेज है, क्योंकि सिर्फ 20% भी खराब लिवर बचा हुआ है, तो ये डैमेज लिवर को अपन जो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं उसके लिए दवाई दे सकते हैं, बाकी और तो कुछ नहीं। अच्छा, जो मरीज है जिसको आपने लिवर ट्रांसप्लांट किया है वो मरीज क्या फिर जीवन भर दवाइयों पर निर्भर रहेगा? जो मरीज को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, शुरू में हम ट्रांसप्लांट के टाइम पर उनको थोड़ी ज़्यादा दवाइयाँ देते हैं, 15-20 दिन तक के उनके ज़्यादा दवाइयाँ चलती हैं, शुरू के 3 महीने में उनको 10-12 दवाइयाँ चलती हैं, धीरे धीरे कम होते होते साल भर में 1-2 दवाई चलती हैं, मगर ये 1-2 दवाई जो हैं वो आजीवन उनको लेनी पड़ती हैं और हर महीने उनको आपको डॉक्टर से परामर्श करने के लिए आना पड़ता है। अब जिसने लीवर दिया है क्या उन्हें भी दवाइयाँ? जिन्होंने लीवर दिया है उनको सिर्फ शुरू के 7-10 दिन के लिए दवाइयाँ हम देते हैं। जब हम एडमिट करते हैं तो शुरू में 2 दिन उनको ICU में रखते हैं, उसके बाद 5 दिन वार्ड में रखते हैं, और ऑपरेशन के बाद 5-7 दिन और दवाई देते हैं, उसके बाद फिर कोई आजीवन उनको कोई दवाई नहीं, जो देने वाला है उसको आजीवन कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। शुरू के 3 महीने में थोड़ा सा अपन को परहेज करना पड़ता है, परहेज में भी ऐसा है कि बेल्ट लगाएं,
भारी वजन ना उठाएं, बहुत भीड़ भड़क के में ना जाएं। 3 महीने बाद सब कोई अपना काम कर सकता है और नॉर्मल रूटीन कर सकता है, इवन सब कुछ खेल भी सकता है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जो महिलाएं होती हैं, क्या हम महिलाएं लोग जो डोनेट करना चाहती हैं, स्पेशली जो वाइफ हैं, तो क्या उनकी शादी में और आगे आने वाले अपने शादी के बाद क्या बच्चे वगैरह वो कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से 3 महीने बाद वो हर चीज़ कर सकते हैं। कई लोगों आए हैं जिन्होंने 18 साल पे दिया, उनकी शादी भी हुई है और बच्चे भी हुए हैं। खान पान में भी उन्हें विशेष कोई ध्यान रखना होता होगा? खान पान में भी कोई विशेष ध्यान ऐसा सच की ज़रूरत नहीं होती। शुरू के 3 महीने में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि लिवर का पोर्शन थोड़ा कम रहता है, तो इन्फेक्शन के कारण से लिवर में इंसल्ट होती है, ये सब चीज़ें ना हो। बाकी उसके बाद 3 महीने बाद मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, 3 महीने बाद आप सब चीज़ें कर सकते हैं, खेल कूद, भारी वजन उठाना, इवन प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं फीमेल्स के लिए। मतलब मरीज को दूसरा जीवन मिल जाता है। बिल्कुल। इसमें सर एक चीज़ वो जानना चाहेंगे कि चूंकि लीवर ट्रांसप्लांट अपने यहाँ पे पहले तो होता नहीं था, चूंकि अब होने लगा है जी, तो लगभग इसमें एक खर्च की सीमा क्या है, इसमें कितना खर्च आता है? लगभग खर्चा 20-22 लाख के आसपास का खर्चा होता है, जिसमें कि लिविंग डोनर को करते हैं। जो हमारा डिसीज डोनर होता है वो थोड़ा और महंगा होता है, वो लगभग 25 के आसपास के आता है। बाकी आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो डोनर्स होते हैं, जो लोगों में प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा यही है कि क्या हम डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेशन के लिए भी हमारे पास जब कोई मरीज आता है कि हम क्या डोनेट कर सकते हैं अपने भाई बहन वाइफ हस्बैंड जो भी हैं, या दादा दादी परदादा जो भी हैं, तो उनको हम चरणों में एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले हम जो चरण करते हैं, ऐसे 4 चरण होते हैं। पहले चरणों में हम सबसे पहले खून की जाँच कराते हैं। अगर खून की जाँच में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डोनर को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर खून की जाँच अच्छी आती है तो फिर CT और MRI कराते हैं कि जो लिवर है जो देना चाहता है, क्या हम उसका लिवर लेंगे तो क्या रिसिपिएंट के लिए वो सफिशिएंट है, दूसरी चीज़ जो दे रहे हैं उनके लिए लिवर सफिशिएंट बच रहा है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि 30-40%, अगर वो 20% बच रहा है तो हम लिवर नहीं लेंगे। तो लगभग 30 से ऊपर ही होना चाहिए तभी हम लिवर लेते हैं किसी का। तीसरा चरण जब होता है, जब आपका हार्ट की जाँच और इन सब चीज़ों की जाँच होती है, जब ये सब चरणों में काम हो जाता है और सब चीज़ों में फिट लगते हैं, तब हम जाके उसको ओके करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि आप लिवर डोनेशन के लिए रेडी हैं। उसके बाद भी जब ऑपरेशन के दौरान, जब हम ऑपरेशन में पहली बार करते हैं, जब उनका पेट खोल के देखते हैं, तो अगर हमें वो व्यस्तत्व में अगर लगता है कि नहीं इनके पास अच्छा लिवर बचा है, तो ही हम ऑपरेशन को प्रोसीड करते हैं, नहीं तो हम प्रोसीडर वहीं पर रोक देते हैं। तो सबसे पहले हम डोनर को लेते हैं, उनका ऑपरेशन करने के लिए देखते हैं, लिवर हमें उपयुक्त लगता है दोनों की तरफ के लिए। लिवर की क्वालिटी होती है, लिवर का वॉल्यूम होता है, लिवर का जितना ग्राम कितना है वो सब देख के फिर हम रिसिपिएंट को लेते हैं और फिर हम रिसिपिएंट का ऑपरेशन करते हैं। सर काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमने लिवर ट्रांसप्लांट शेल्बी अस्पताल में इस साल से चालू किया है, जिसमें से हमने लगभग 6-7 महीने में 6 सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। दूसरी चीज़, अगर किसी पेशेंट को लिवर की परेशानी है तो उसको छुपाएं नहीं, उसका इलाज संभव है। आप अपने लिवर विशेषज्ञ से मिलें, दवाई गोली अगर से ठीक होता है तो दवाई गोली, अगर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कोई विशेषज्ञ आपको बोलता भी है तो उस चीज़ को घबराए नहीं, उस चीज़ के लिए ज़रूर मिलें, उस चीज़ की परेशानियों को समझें। और अगर आपके पास डोनर हैं तो आप मरीज़ और डोनर दोनों आएं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब हमसे पूछ सकते हैं। क्या तकलीफ़ होती है, जितने हमने डोनेशन लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, जो सब ने जीवित वाले किए हैं, आप चाहें तो उनसे बात करें, क्या तकलीफ़ होती है क्या नहीं होती है ये सब पता करें, क्योंकि डरने से 100% है कि आपकी जान को खतरा रहेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से बात करेंगे, अगर आपको पॉजिटिविटी लगती है तो अगर आप ट्रांसप्लांट में जाते हैं तो आपका नया जीवन मिल जाता है, जिसके कारण से आपकी जीवन बहुत अच्छा चलता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जो रिसिपिएंट होते हैं जिनको आप देते हैं, उनको जैसे आजीवन दवाई के लिए आपने बोला, उनको शुरू के 3-6 महीने तक के थोड़ा प्रिकॉशन और भी रखना पड़ता है। वो प्रिकॉशन ऐसा रहता है कि आपको बाज़ार में नहीं जाना, जो आपने कोविड में प्रोटोकॉल फॉलो किया है
बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोविड ने सब चीज़ों को समझा दिया और दिखा दिया है। तो मैं आपको बस एक चीज़ ही बोलूँगा, कोविड प्रोटोकॉल, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहने, भीड़ भड़कने वाली जगह पर ना जाएँ, अगर आपके घर में पशु हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहें, किसी को इन्फेक्शन है, बुखार है या वायरल इन्फेक्शन है उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जब आपको लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी को कम कर दीजिए, जैसे जो मैंने बताया आजीवन, क्योंकि कोई भी मेहमान आपके घर में आता है तो वो थोड़ा सा रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो बॉडी में भी ऐसा ही है कि बॉडी में आपने दवा दूसरा लेवल लगाया तो वो रिजेक्ट करने की जब कोशिश करेगा तो हम उसको रिजेक्शन के लिए इम्यूनो सप्रेशन देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसलिए हम शुरू में कहते हैं कि 3 से 6 महीने तक के बड़ा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, उसके बाद आप जा सकते हैं मगर अपनी सावधानी खुद से बरतें, और साल भर बाद भी आप जा सकते हैं, दवाई आजीवन लेना है मगर कोशिश रहे कि किसी के इन्फेक्शन के टच में ना आए। तो डॉक्टर निशांत जी से अभी आपने सुना, इनका मुख्य संदेश है कि डरना नहीं संभलना होगा, तो आप भी सावधानी बरतें और अन्य को भी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करें। और निश्चित तौर पे इतनी अच्छी जानकारी आज डॉक्टर निशांत शिव जी ने हमें दी है जो आपको और आपके कई परिचितों को काम आएगी। कृपया इस जानकारी को आप अपने अन्य परिचितों तक भी पहुंचाएं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोपहर न्यूज हमेशा आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां प्रसारित करता है ताकि आप और हम सावधान नहीं बरतें और हमारी जानकारी, हमारी जो जानकारियां इस प्रकार से रहे कि वो अन्य लोगों तक भी पहुंचे और अन्य लोगों को लाभान्वित करे। भविष्य में हम डॉक्टर साहब से फिर संपर्क करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका वापस एक बार फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि काफी अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी है। मैं कैमरा पर्सन स्वदेश गौर के साथ राजेश पिपलोदिया, दफ्तर न्यूज इंदौर।